तो दोस्तों, दुनिया के ऑलमोस्ट सभी पढ़े लिखे लोगों को पता होगा कि दुनिया के 75% स्पाइसेस यानी मसाले अकेले भारत से ही आते हैं। भारत सूखी लाल मिर्च, क्यूमिन यानी जीरा, हल्दी, अदरक, सौंफ, धनिया, इमली जैसे कई सारे मसालों के उत्पादन के मामले में नंबर वन है। ये सभी स्पाइसेस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में ये स्पाइसेस कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 75% स्पाइसेस इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो दोस्तों, भारत में पिछले साल टोटल 91 लाख टन से भी ज़्यादा मसालों का उत्पादन हुआ। राजस्थान भारत का सबसे ज़्यादा मसालों का प्रोडक्शन करने वाला राज्य है, जहाँ करीबन 9,40,000 टन यानी पूरे भारत का करीबन 10% मसालों का उत्पादन होता है। राजस्थान के अलावा दूसरे टॉप 10 स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। बाय द वे, इंडिया सिर्फ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। भारत पूरी दुनिया के ग्लोबल स्पाइस ट्रेड में 48% का हिस्सा रखता है। भारत एनुअली 4,00,000 मेट्रिक टन से भी ज़्यादा मात्रा में मसालों का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया के देशों को करता है। दोस्तों, बेसिकली भारत ट्रॉपिकल रीजन में आता है एंड दुनिया के ऑलमोस्ट सभी मसाले इसी ट्रॉपिकल रीजन में ही प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो मसालों के लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मसाले ड्राई रेड चिलीज यानी सूखी लाल मिर्च की। सूखी लाल मिर्च का हर साल भारत में करीबन 10,33,000 टन प्रोडक्शन होता है, जो पूरे मसालों में से 22% का हिस्सा रखता है। भारत ड्राई रेड चिलीज के उत्पादन के मामले में नंबर वन है। पूरी दुनिया की 38% ड्राई रेड चिलीज भारत में ही प्रोड्यूस होती है। भारत के अलावा दुनिया की 7% चाइना में एंड 5% पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में प्रोड्यूस होती है। भारत में तेलंगाना 3,41,000 टन के एनुअल प्रोडक्शन के साथ नंबर वन है। भारत की 33% सूखी लाल मिर्च अकेले तेलंगाना में ही प्रोड्यूस होती है। तेलंगाना के वारंगल, खम्मम एंड भद्रदी कोथागुदेम डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा ड्राई रेड चिलीज प्रोड्यूस करते हैं। तेलंगाना के अलावा कर्नाटका 25% एंड मध्य प्रदेश 23% ड्राई रेड चिलीज प्रोड्यूस करते हैं। सरप्राइजिंगली, इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन के बावजूद इंडिया सिर्फ 30% ड्राई रेड चिलीज का ही एक्सपोर्ट कर पाता है, क्योंकि 70% ड्राई रेड चिलीज भारत में ही कंज्यूम्ड हो जाती है। बची हुई 30% का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वियतनाम, थाईलैंड एंड श्रीलंका में होता है। बात करते हैं अदरक लहसुन की। अदरक एक मसाला होने के साथ मेडिसिन भी है। अदरक के उत्पादन में भी भारत नंबर वन है। पूरी दुनिया में एनुअली 30,00,000 टन अदरक का उत्पादन होता है। इनमें से 33% यानी 10,00,000 टन से भी ज़्यादा भारत में ही प्रोड्यूस होता है। भारत के अलावा नाइजीरिया 18% एंड चाइना 16% दुनिया के अदरक का उत्पादन करते हैं। भारत में आसाम सबसे ज़्यादा 1,68,000 टन यानी पूरे भारत का 18% अदरक का प्रोडक्शन करता है। आसाम का कर्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन करता है। आसाम के अलावा महाराष्ट्र 15% एंड वेस्ट बंगाल 13% अदरक का उत्पादन करते हैं। भारतीय अदरक के सबसे बड़े इम्पोर्टर्स बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड मोरक्को है। अगर गार्लिक यानी लहसुन की बात करें तो भारत इसके उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि अकेला चाइना ही 2 करोड़ मेट्रिक टन उत्पादन के साथ दुनिया के 80% लहसुन का उत्पादन कर लेता है। भारत 17,00,000 मेट्रिक टन के साथ दुनिया के 5% लहसुन का प्रोडक्शन करता है। चाइना एंड भारत के अलावा बांग्लादेश, इजिप्त एंड स्पेन भी थोड़ा मात्रा में लहसुन का उत्पादन करते हैं। भारत में राजस्थान गार्लिक के उत्पादन में टॉप पर है। यहाँ 5,82,000 टन प्रोडक्शन के साथ पूरे भारत का 33% लहसुन का उत्पादन होता है। राजस्थान के सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट कोटा, बूंदी, बारन एंड झालावाड़ ही राजस्थान के 90% लहसुन का उत्पादन करते हैं। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश 7% एंड गुजरात 6% उत्पादन करते हैं। भारतीय लहसुन के मेजर इंपोर्टर्स इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड यूएसए है। बात करते हैं कार्डेमम यानी इलायची की, द क्वीन ऑफ एरोमेटिक स्पाइसेस। इलायची वेनिला एंड केसर के बाद का तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा महंगा स्पाइस है।
इलायची के प्रोडक्शन में भी भारत 38,000 टन यानी दुनिया का 31% प्रोडक्शन के साथ नंबर वन है। भारत के अलावा लैटिन अमेरिकन देश ग्वाटेमाला भी 29% प्रोडक्शन के साथ मेजर प्रोड्यूसर है। इन दोनों के अलावा श्रीलंका, तंजानिया एंड अल साल्वाडोर भी इलायची का उत्पादन करते हैं। भारत में केरला 25,000 टन यानी 66% प्रोडक्शन के साथ नंबर वन पर है। केरला में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा इलायची का प्रोडक्शन करता है। केरला के अलावा सिक्किम में 17% एंड कर्नाटका में 6% इलायची का प्रोडक्शन होता है। सरप्राइजिंगली टोटल इलायची प्रोडक्शन में से 95% इलायची भारत में ही कंज्यूम हो जाती है एंड बाकी की 5% इलायची दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की जाती है। भारतीय इलायची के टॉप इम्पोर्टर्स सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड USA है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मरिक यानी हल्दी की। भारत टर्मरिक का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है। अकेला भारत ही पूरी दुनिया की 80% से भी ज़्यादा हल्दी का उत्पादन करता है एंड भारत के मसालों में हल्दी तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला स्पाइस है। अकेले हल्दी के एक्सपोर्ट से ही भारत का 1,632 करोड़ रुपये का व्यापार होता है। भारत में एनुअली 9,40,000 टन हल्दी का उत्पादन होता है। भारत के अलावा चाइना में 8% एंड म्यांमार में 4% हल्दी का उत्पादन होता है। हल्दी के उत्पादन में भी तेलंगाना 2,95,000 टन प्रोडक्शन के साथ नंबर वन है। तेलंगाना के सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल एंड आदिलाबाद ही तेलंगाना के 90% हल्दी का उत्पादन करते हैं। तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र में 20% एंड तमिलनाडु में 12% हल्दी का उत्पादन होता है। भारत हल्दी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। भारत यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान, USA एंड श्रीलंका को सबसे ज़्यादा हल्दी का एक्सपोर्ट करता है। बात करते हैं द किंग ऑफ स्पाइसेस यानी ब्लैक पेपर की, काली मिर्च। काली मिर्च को दुनिया का पैसा कमाने वाला क्रॉप माना जाता है। ब्लैक पेपर का एक्सपोर्ट कई सारे देशों की नेशनल इकोनॉमी में भी हिस्सा रखता है। भारत ब्लैक पेपर के प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर मौजूद वियतनाम में 2,16,000 टन यानी के पूरी दुनिया का 34% प्रोडक्शन होता है एंड सेकंड नंबर पर मौजूद इंडोनेशिया में 82,000 टन यानी दुनिया का 15% ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन होता है। भारत में एनुअली 55,000 टन यानी दुनिया के 10% ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन होता है। भारत में कर्नाटका नंबर वन ब्लैक पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यहाँ 21,000 टन यानी इंडिया का 38% काली मिर्च का उत्पादन होता है। कर्नाटका के कोडागु, चिकमंगलुरु, हसन, दक्षिण कन्नड़ा, सिमोंगा, उत्तर कन्नड़ा एंड उडुपी में सबसे ज़्यादा काली मिर्चों का उत्पादन होता है। कर्नाटका के अलावा केरला में भारत का 30% एंड तमिलनाडु में 5% काली मिर्च का उत्पादन होता है। बात करते हैं क्यूमिन यानी जीरे की, तो भारत जीरे के मामले में भी टॉप प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर है। भारत में पूरी दुनिया का 70% जीरा यानी 6,87,000 टन का प्रोडक्शन होता है। भारत के अलावा सीरिया 12%, ईरान 8% एंड तुर्की 6% दुनिया के जीरे का उत्पादन करते हैं। भारत में गुजरात एंड राजस्थान ही मेन प्रोड्यूसर है। गुजरात में 3,84,000 टन यानी भारत का 55% एंड राजस्थान में 3,02,000 टन यानी भारत का 44% जीरा का उत्पादन होता है। गुजरात में ज़्यादातर जीरा उसके नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जैसे मेहसाणा, बनासकांठा एंड पाटन में प्रोड्यूस होता है। भारत जीरे के एक्सपोर्ट में भी नंबर वन है। भारत दुनिया के वो सभी देशों को जीरा एक्सपोर्ट करता है जिस देश के लोग जीरा का उपयोग करते हैं, जिनमें सबसे बड़े इम्पोर्टर्स गल्फ कंट्रीज एंड USA है। बात करते हैं कोरिएंडर यानी धनिया की। भारत धनिया के उत्पादन में भी नंबर वन है। पूरी दुनिया का 70% कोरिएंडर प्रोडक्शन यानी 6,77,000 टन भारत में ही होता है। भारत के अलावा बल्गेरिया, रोमानिया एंड रशिया भी दूसरे मेजर प्रोड्यूसर है। भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा 3,83,000 टन यानी भारत का 56% कोरिएंडर का उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में 19%, गुजरात में 17% कोरिएंडर का उत्पादन होता है। भारतीय कोरिएंडर के सबसे बड़े इम्पोर्टर्स मलेशिया, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड अरब अमीरात है। बात करते हैं सबसे महंगे स्पाइस सैफ्रोन यानी केसर की। दुनिया में एनुअली 325 टन का केसर का उत्पादन होता है।
इनमें ईरान 90% केसर का उत्पादन करता है, यानी ऑलमोस्ट 292 टन। नंबर 2 पर है स्पेन एंड नंबर 3 पे है हमारा इंडिया। भारत में 16 मेट्रिक टन केसर का उत्पादन होता है। इसमें ऑलमोस्ट पूरा केसर जम्मू एंड कश्मीर में ही प्रोड्यूस होता है। स्मॉल अमाउंट में हिमाचल प्रदेश में भी केसर का उत्पादन किया जाता है। भारत में हर साल 20 टन केसर का कंजप्शन होता है, इसीलिए भारत को केसर ईरान एंड स्पेन से इम्पोर्ट करना पड़ता है। इन स्पाइसेस के अलावा भारत फेनल यानी सौंफ के उत्पादन में भी नंबर 1 है। अकेला गुजरात ही 74% यानी 96,000 टन सौंफ का उत्पादन करता है। नटमेग यानी जायफल के प्रोडक्शन में भी भारत का नंबर 3 है। अकेला केरला ही 98% यानी 14,200 टन जायफल का उत्पादन करता है। अगर बात करें मस्टर्ड यानी राई की, तो भारत राई के उत्पादन में सेकंड नंबर पर है। भारत में 200,000 टन से भी ज़्यादा राई का उत्पादन होता है। अकेला उत्तर प्रदेश ही भारत की 60% राई का उत्पादन करता है। तो दोस्तों, आज का ये स्पाइस टूर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ क्लिक कर हमारी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर देखिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।